पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में 50वीं पुलिस स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुलिस स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ अवसर पर पहुंचने पर प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरंडी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में आचार्य देवव्रत ने कहा कि पुलिस के लोग तनाव में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मीट में भागीदारी सुनिश्चित करने से पुलिस के लोगों को तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यतः दो अभियान लिए हैं जिनमें शून्य लागत खेलती और नशा मुक्त हिमाचल जिस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों का आयोजन हर वर्ष होता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि बताया गया है कि प्रदेश पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खेलों में पुलिस जवानों में स्वास्थ्य के प्रति आपस में भाईचारा और कर्तव्य भावना का बोध होता है। मनुष्य जीवन में खेलों को वैसे भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के माध्यम से पुलिस जवानों को तनाव दूर करने का मार्ग मिलेगा। आरंभ हुई पुलिस स्पोर्ट्स मीट में प्रदेश पुलिस की उत्तरी रेंज, मध्य रेंज, दक्षिण रेंज तथा सेंट्रल यूनिट के 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुलिस स्पोर्ट्स मीट के दौरान पुलिस जवान वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शून्य लागत खेती के प्रति किसान काफी रुचि ले रहे हैं। अभियान के तहत 2000 किसानों को 6 दिन की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आचार्य देवव्रत पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में 50वीं पुलिस स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत ट्रेनिंग ले चुके किसानों ने अपने खेतों में मॉडल बनाना शुरू कर दिया है। उन्हीं किसानों को जो मॉडल बनेंगे उन्हें ट्रेनर बनाया जाएगा। एक किसान को एक पंचायत का जिम्मा सौंपा जाएगा और धीरे धीरे इस अभियान को प्रदेश में मजबूती से प्रारंभ किया जाएगा। सरकार इस अभियान में पूरा योगदान दे रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के सौजन्य से 50वीं खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं। इसमें हमारे पुलिस के जवानों में स्वास्थ्य के प्रति आपस में भाईचारा और कर्तव्य भावना का बोध होगा और खेल हमारी मनुष्य जीवन के साथ एक आह्लाद प्रदान करने का माध्यम है। तो पुलिस के लोग हर समय तनाव में रहते हैं, इन खेल के माध्यम से तनाव मुक्ति का रास्ता मिलेगा। और बहुत खुशी की बात है, जैसे हमारे पुलिस महानिदेशक माननीय श्रीमान सीताराम मरड़ी जी ने जानकारी दी, हमारे प्रदेश की पुलिस के जवानों ने पिछले सालों में अनेक खेलों में बड़े उच्च स्तर के पदक प्राप्त किए हैं और देश विदेश में हिमाचल प्रदेश पुलिस का नाम आगे बढ़ा है। तो ये खेल भी इन सब जवानों को आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करेंगे और इनमें खेल के प्रति रुचि पैदा होते तनाव मुक्त जीवन जीने का भी एक रास्ता बने। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है और अब तक हम लगभग 2000 किसानों को इसकी 6-6 दिन की विधिवत ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन किसानों ने अपने खेतों पे मॉडल बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं किसानों को जब मॉडल बनेंगे तो हम ट्रेनर बनाएंगे और एक किसान को एक पंचायत सौंपी जाएगी और उससे धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इस अभियान को मजबूती से प्रारंभ करेंगे। सरकार पूरा योगदान इसमें कर रही है, हमारे कृषि विभाग के लोग इससे जुड़े हुए हैं।